विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बंगाल में सियासत और तेज हो गई है। मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, इसलिए सड़क से सोशल मीडिया तक लड़ाई भी इन दोनों के बीच ही दिख रही है। टीएमसी की ओर से नारा दिया गया था कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इसके जवाब में बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, जवाब टीएमसी की ओर से भी आया है। तो क्या है पोस्टर की राजनीति, देखिए ये रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ ही बीजेपी ने 2021 विधानसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल पर नजरें गड़ा दी थीं, लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी की मजबूत घेराबंदी का जवाब बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही है। इसके लिए बीजेपी ने टीएमसी में सेंधमारी की रणनीति बनाई। अब विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है तो राज्य में पोस्टरबाजी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार में हर रोज नया मुद्दा निकलकर सामने आ जाता है। टीएमसी की ओर से नारा दिया गया, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, तो इसके जवाब में बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। बीजेपी के पोस्टर में रूपा गांगुली, देवोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, भारती घोष, अग्निमित्र पॉल सहित 9 पार्टी नेताओं की फोटो है। साइड में ममता बनर्जी का भी फोटो लगा है और कहा है कि बंगाल को बुआ नहीं, अब बेटी चाहिए। बीजेपी के पोस्टर पर तंज कसते हुए टीएमसी ने कहा कि बंगाल को अपनी बेटी पसंद है, तो दूसरी तरफ अब टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा कि 2 मई को मेरा पुराना ट्वीट याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में देश के लोकतंत्र को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और राज्य के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं और सही कार्ड दिखाने के लिए दृढ़ हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की पोस्टर वाली राजनीति पर ममता बनर्जी का कार्ड दिखाते हुए लिखा है कि बंगाल को केवल अपनी ही बेटी चाहिए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।